नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीजर फुलफिल डिजायर्स पर। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है खेल, उसमें उसकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या और किस देश का वो राष्ट्रीय खेल है, और साथ ही साथ जो कुछ खेल है उनके खेल परिसर के बारे में, जो कि खेल परिसर मतलब उसके मैदान जो भी होते हैं उनका क्या नाम होता है। इस चीज से रिलेटेड दोस्तों कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिला है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं, और आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कौन से खेल में टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है और उसके खेल परिसर को क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे हमने खेल के नाम लिखे हैं, दूसरे में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या, और तीसरे कॉलम में वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जो हॉकी गेम होता है, हॉकी के अंदर एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, और ये जो हॉकी जो गेम है ये भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं फुटबॉल की। फुटबॉल में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, और ये रूस, ब्राजील और फ्रांस, यहाँ पे तीन जो ये कंट्री है मुख्य रूप से इनका राष्ट्रीय खेल है ये। आगे बढ़ते हैं, तीसरा है रग्बी फुटबॉल। दोस्तों फुटबॉल और रग्बी फुटबॉल में यहां पर 4 खिलाड़ियों का अंतर है। फुटबॉल में 11 होते हैं जबकि रग्बी फुटबॉल में यहां पे खिलाड़ी हो गए 15 एक टीम के अंदर, और ये कहां का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट। क्रिकेट में भी 11 ही खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, और ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है बेसबॉल। बेसबॉल दोस्तों इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं एक टीम के अंदर, और ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, नेक्स्ट है खो खो। खो खो के अंदर भी 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर पोलो। वाटर पोलो के अंदर यहां पर 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम के अंदर, और नेक्स्ट है कबड्डी। कबड्डी के अंदर 7 खिलाड़ी होते हैं। नेटबॉल। नेटबॉल के अंदर भी 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। दोस्तों वाटर पोलो और पोलो में हमें ध्यान रखना है कि जो वाटर पोलो है इसमें 7 होते हैं जबकि पोलो के अंदर 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के अंदर होते हैं 6 खिलाड़ी एक टीम में। ठीक है, अगर हम बात करें टेनिस की या टेबल टेनिस की, तो टेनिस के अंदर हो या टेबल टेनिस के अंदर हो, ये सिंगल्स और डबल्स में खेले जाते हैं, तो एक टीम के अंदर यहाँ पे होते हैं 1 या 2 खिलाड़ी। ठीक है, और जो टेबल टेनिस है ये कहां का राष्ट्रीय गेम है या खेल है? ये चाइना का, चीन का। आगे बढ़ते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में दोस्तों एक टीम के अंदर 5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन के अंदर भी उसी प्रकार से खेला जाता है जैसे टेनिस और टेबल टेनिस में होता है, सिंगल्स या डबल्स में, तो यहां पर 1 या 2 खिलाड़ी टीम के अंदर होता है मतलब खेलता है। और ये जो बैडमिंटन है ये कहां का राष्ट्रीय खेल है? मलेशिया और इंडोनेशिया का। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा खेल, खिलाड़ियों की संख्या और जिस देश का वो राष्ट्रीय खेल है वो। अब इसी के साथ इससे जुड़ी कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, विभिन्न खेल और खेल परिसर। इसका भी क्वेश्चन बहुत बार SSC तो बहुत बार पूछ लेती है आपसे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। एक तरफ यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में खेल है, दूसरे में उससे रिलेटेड उसका खेल परिसर है, खेल का मैदान जो भी है उसका, वो उसका नाम दिया गया। जैसे क्रिकेट और रग्बी जो खेल होते हैं ये पिच के ऊपर खेले जाते हैं। कहां पर खेले जाते हैं? पिच पर, क्रिकेट और रग्बी। और पोलो, फुटबॉल, हॉकी ये जो गेम है ये फील्ड में खेले जाते हैं। ठीक है, खेल परिसर को इनके क्या बोलते हैं? फील्ड। नेक्स्ट है स्केटिंग और मुक्केबाजी। स्केटिंग और मुक्केबाजी जहां पर खेला जाता है उसे कहते हैं रिंग। ठीक है, रिंग के अंदर मुक्केबाजी होती है और स्केटिंग होती है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, स्क्वैश, खो खो, नेटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, ये जो सभी गेम हैं ये होते हैं कोर्ट में। ठीक है, अदालत में नहीं, कोर्ट में। ठीक है, ये कोर्ट होता है, इनका जो खेल परिसर उसको कहते हैं कोर्ट। आगे चलते हैं स्केटिंग और मुक्केबाजी। ठीक है, स्केटिंग और मुक्केबाजी जो है वो होती है रिंग के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये हमने फिर से इंक्लूड कर दिया, ये यहां पे आ चुका था। स्केटिंग और मुक्केबाजी कहां होती है? रिंग में। नेक्स्ट है तैराकी। जो तैराकी है वो होती है
पूल के अंदर कहा भी जाता है स्विमिंग पूल, ठीक है, तो जहां पे तैराकी होती है, जहां पे स्विमिंग होती है, वो होता है पूल। आगे चलते हैं, घुड़सवारी। घुड़सवारी जहां पे होती है उस खेल परिसर को कहा जाता है एरिना, ठीक है, एरिना। तो ये जो कुछ थोड़े से अटपटे नाम है, इन्हें हमें याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही बार बार पूछे जाते हैं। जैसे घुड़सवारी के लिए एरिना पूछ लिया, ठीक है, और यहाँ पे ये इनमें से किसी का भी नाम दे दिया और पूछ लिया कि क्या है उसके खेल परिसर का नाम, तो कोर्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निशानेबाजी और तीरंदाजी, ये भी पूछ लिया जाता है, इसको कहते हैं रेंज, ठीक है, चाहे निशानेबाजी हो चाहे तीरंदाजी हो। निशानेबाजी पिस्टल से भी होती है और तीरंदाजी तो आपको पता ही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, बेसबॉल। बेसबॉल जो है, ये इसका जो खेल परिसर है बहुत बार पूछा जाता है, इसका नाम है डायमंड, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब है इसका नाम, ठीक है, इसलिए डायमंड। नेक्स्ट चलते हैं, गोल्फ। गोल्फ जो होता है वो कोर्स के अंदर खेला जाता है। कहाँ पे? गोल्फ कोर्स, सुना भी होगा आपने, ठीक है। तो गोल्फ कहाँ पे खेला जाता है? कोर्स के अंदर, इसका खेल प्रेशर होता है कोर्स। टेबल टेनिस। टेबल टेनिस जो है वो बोर्ड के ऊपर खेली जाती है। बोर्ड लगा दिया जाता है, टेबल होती है एक तरीके से, लेकिन हम उसको टेबल नहीं कहेंगे कि टेबल पर खेली जाती है, हम उसको ये कहेंगे बोर्ड पे खेली जाती है। टेबल टेनिस कहाँ खेली जाती है? बोर्ड पे। साइकिलिंग। साइकिलिंग जो होती है वो, उसका जो खेल प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं वेलोड्रम। क्या कहते हैं? वेलोड्रम, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ताइक्वांडो या जूडो कराटो। तो ये जो होते हैं गेम, ये होते हैं मैट के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों ये थे खेल और उनके खेल परिसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा कि किस खेल के लिए कौन सा खेल परिसर यूज होता है। वैसे हम जानते भी हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम जो है ना, वो कई बार जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। तो इसको अगर आप 2-4 बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारे आज के इस वीडियो में, और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, जिससे कि उनका भी भला हो सके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।